अपने एक महीने के अंदर अंदर हर घर को नल से जल मिलेगा। क्या नाम आपका? धर्मराज मीणा। ये अय्यन है, ये आपके बीच में अधिकारी है हमारा। अभी आपके सामने वादा करें, खुद कितने दिन पानी देगा? सब 20-25 दिन में कर देंगे सर, ये टंकी चालू होते ही। क्या है शपथ ले कि 20 दिन में पानी दूंगा? जी सर, 20 दिन में पानी दिला देंगे। देखिए, जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने पूरे भारत के अंदर में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुरुआत की है, मैं समझता हूँ गांव-गांव ढाणी ढाणी जा रहा है। जो भी आदमी के पास समस्या का समाधान तुरंत कर दिया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि आज माननीय प्रधानमंत्री बात जो कही है कि हर घर को नल से जल देने का काम किया है, और अभी जिस हिसाब की समस्या आई उसका तुरंत समाधान कर रहे हैं। हर आदमी को जिसके भी कच्चा मकान होगा उसको पक्का मकान देने का काम करेंगे। जो भी उज्ज्वला योजना में करीब 1,70,000 गैस कनेक्शन हमने पहले दे दिए थे, और अब जो बाकी बचे हुए हैं, आज भी करीब 65 महिलाओं को हमने गैस कनेक्शन दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो धरातल पर आम आदमी को जो समस्याओं का समाधान था वो तुरंत करके दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का ये सपना है। मुख्य रूप से कैंप में पेयजल, सड़क और कीचड़ की शिकायतें सामने आई, उनको लेकर के एक्सरसाइज आगे रहे। देखिए, मैं समझता हूँ पेयजल की समस्या का समाधान है। हमारे पहले भी बात कही थी कि हमारी डबल इंजन सरकार बन गई, प्रदेश की गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पा रही थी, इस वजह से काम डिले हो रहे थे। अब हम काम की स्पीड आपको दिखाएंगे कि हमने जिस हिसाब से कहा है कि अब बराबर पैसा मिलेगा, और ये पेयजल का मामला अगले 1 साल के अंदर अंदर में हर घर को नल से जल मिल जाएगा, ये संकल्प है। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर सब कुछ कवायद चल रही है कि ये लोकसभा चुनाव सर पे है, तो मतदाताओं को लुभाने की कोशिश हो रही है इसमें। मैं समझता हूँ आज से पहले भी हमने 1,70,000 गैस कनेक्शन दिए थे, उसमें कभी लुभाने की बात कही थी। जिस हिसाब से किसान को किसान सम्मान निधि दी थी, हमने कोई चुनाव में वादा नहीं किया था। जिस हिसाब से हर आदमी को आज से पहले 55,000 मकान अब से पहले जिले में दिए हुए हैं और बाकी सबको देंगे, हमने कभी चुनाव में घोषणा नहीं की थी। जिस हिसाब से आज भी आप देख रहे हो कि एक एक योजना, जिस हिसाब से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, आप मान के चलो चिरंजीवी योजना का नाम बदल के वो चिरंजीवी योजना रख दिया था, और 25 लाख रुपया दिया था, फिर बोला 50 लाख देंगे, जबकि 50 लाख में तो पूरा आदमी बदल जाए तब भी 50 लाख नहीं लगते, कोई गंभीर बीमारी की बात अलग है। तो मैं समझता हूँ 5 लाख के अंदर में मेरे जिले के अंदर में करीब 42 करोड़ रुपए अब से पहले गए हैं, और वो सारे के सारे पैसे सिर्फ 5 लाख के अंडर में आते हैं। कोई आज तक ऐसा गंभीर बीमारी किसी को नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी बार बार रेवड़ियाँ वो बांट रहे थे, आज देश का प्रधानमंत्री कोई आज से शुरू नहीं किया, एक एक चीज जो भी हम रहती हैं उन सबको कंप्लीट कर रहे हैं, और जो शुरू से देते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार ने जो योजनाएं चलाई उससे सरकार पे, नई सरकार पे आर्थिक भार है, और अब कई योजनाओं का पुनर्विचार होगा, और जो योजनाएं लंबित थी उनको तो बिल्कुल ही स्थगन कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जिस चीज के कहते हैं वो पूरा करके देते हैं, जो उन्होंने गारंटी दी है वो गारंटी आज पूरी होती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जी एक एक चीज को पहले वो करते हैं, उसका विवरण ले लेते हैं, और तब आगे लॉन्च करते हैं। ऐसा नहीं है कि जाते जाते रेवड़ियां तो आप बांट रहे थे, आप कोई भी मोबाइल बांट रहे थे, कभी किसी को नमक जीरा हल्दी बांट रहे थे, वो रेवड़ियां होती हैं। उज्ज्वला योजना हम शुरू से दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, जो योजनाएं हैं उनको लगातार देते आ रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने उन योजनाओं को रोक दिया है, आज ये कहा है कि उन योजनाओं को रोक दिया जाए। मैं समझता हूँ किसी योजना को नहीं रोका गया, जो भी योजनाएं हैं उनको सबको धरातल पर पूरा करेंगे। मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो देर से हो रहा है, कारण मैं समझता हूँ सब चीज होती है, विस्तार टाइम पे हो रहा है, बहुत जल्द अगले 2-3 दिन के अंदर में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सदन में चूक को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है, विपक्षी पार्टियां जो है इंडिया गठबंधन लगातार सदन से लेकर सड़क तक आक्रोश जता रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी बात तो उनका आपस में नेता ही नहीं मिल पा रहा, बार बार मीटिंग करते हैं नेता नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी बात यह है आज जो सदन के नेता का उन्होंने जो अपमान किया है, मैं समझता हूँ किसान जाति का अपमान हुआ है, जाट समुदाय का अपमान हुआ है, और एक उपराष्ट्रपति पद का उस गरिमा का अपमान हुआ है। मैं समझता हूँ खुद राहुल गांधी जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, उनको ये पता नहीं कि किसका आप लोग ये मजाक कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ी बात है, आज मान के चलो कोई भी चीज़ हो, माननीय प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं 10-10 बार, माननीय स्पीकर साहब ने एक बार नहीं 10-10 बार कहा है कि आप चर्चा करो, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चर्चा करने नहीं चाहते, वो सिर्फ शोर और हंगामा करना चाहते। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी है और विनेश फोगाट ने पद्मश्री अवार्ड वापस लौटा दिया है, उसको लेकर भी जबरदस्त। देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से उनका वो हुआ है, आज मान के चलो मतों से जीता है वो, किसी सिपाही से नहीं जीता। अब
मतों से जो आदमी जीत रहा है और उसका कोई बहिष्कार करे तो उसका कोई इलाज नहीं है। 2014 के अंदर जो है और 2019 में 25-0 25-0, 2024 में किस तरह की उम्मीद है आपको? मैं समझता हूँ किस तरह की उम्मीद नहीं है, जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री धरातल पर काम कर रहे हैं और आम आदमी तक पहुँच रहे हैं, मैं समझता हूँ 25 के 25 नहीं, हम कह रहे हैं 300+ का जो आंकड़ा है वो हो जाए, पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री 400+ की बात कर रहे हैं, 400+ की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ जो आप कह रहे हो कि 400+ ही होंगे, लेकिन हम तो आपके सामने डरते हुए कह रहे हैं कि आप और कुछ कर रहे हैं। देखो ये तीसरी बार बनेंगे। कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली, वो अपने कह रहे हैं कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत इनको भी सांसद चुनाव में उतारेंगे यहाँ से। मैं समझता हूँ जहाँ से भी उतारे कोई उतरे उसमें कोई मना थोड़ी है, कौन मना कर रहा है सामने, तो क्या मान है रोचक होगा मुकाबला आपके सामने अगर सचिन पायलट आते हैं टॉप लोकसभा से? मेरे सामने ना संभवता है ना है, ये तो आपका अपना क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन तय कर रहे हो, आते तो कभी हुआ नहीं। 25 सीटें जीत का दावा है, 25 के 25 सीटें जीतेंगे, कहीं कोई दोहराई की बात नहीं। माननीय प्रधानमंत्री ने एक गरीब आदमी के लिए काम किया है, आज महिला आपके सबके सामने खड़ी हो गए, इस बात को कह सकती है कि मेरा प्रधानमंत्री मेरे लिए काम कर रहा है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। आज शिविर था, शिविर में नजारा वही था जिस तरह की शिविर पूर्ववर्ती सरकार में नजर आते थे, वही समस्याएं हैं, उसी तरह के हालात हैं, और आप भी बार बार नाराजगी जाहिर करते रहे। समस्या तो आदमी के जब दिन निकलता है समस्याएं रोज पैदा होती हैं, लेकिन समस्या का समाधान हो, मैंने आपको पहले भी कहा था और अपने भाषण में कहा कि 2014 के बाद में जो सभा में बदलाव देखा है वो सबको साक्षात दिखाई दे रहा है। अभी जिस आपकी समस्याएं आई हैं, मैं समझता हूँ समस्याएं वही हैं कि हमारे आधे गाँव में पानी आ रहा, आधे में नहीं आ रहा, वो पूरा करो, आधे की रोड टूटी हुई रोड को पूरा करो, ये समस्याएं साथ साथ हैं और कम्प्लीट होती जा रही हैं। कितनी काकियों को समझाना पड़ा आपको? मैं समझता हूँ काकी अपनी अपनी बात रखती हैं, मैं भी उनके साथ हसमुख हो जाता हूँ और वो भी मेरे साथ हो जाती हैं, मैं उनका और वो मेरी, तो इसलिए उनके साथ संवाद अच्छा लगता है तो मैं बात करता हूँ। ये काकियाँ पार लगाएगी 2024? ये काकी ही सारी पार लगाएंगी, ये मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री भी इस बात को चाहते हैं, कि उन्होंने एक बात में कही थी कि इसी को आत्मीयता कहते हैं कि जब गरीब के साथ आप मिलते हो और गरीब आपकी बात को सुनता है, आप गरीब की सुनते हो, तो उसी को तो आत्मीयता कहते हैं, तो वही मैं आप सबके सामने कर रहा हूँ। आप कह रहे थे कि काम तो कर रहे हैं, वोट तो दोगे ना? हाँ वोट देंगे ना, वही मैं कहा है, मैं उस दिन सो मत जाना, वोट देना जाना, क्योंकि मोदी जी आपको सब कुछ दे रहे हैं।